लोग देखे रे कौन नमूना आया है रे सोचा रे कौन चीज बन ले तो बताए टाई दिस इज टाई का की पसरी लगी ले टाई ऑटोमन साम्राज्य इतना तेजी से बढ़ रहा था कि ईसाइयों के इन बेजेंटाइन साम्राज्य को टेंशन हो गया कहां जाएंगे हम लोग। तो ये लोगों ने अपने नाविकों को कहा कि तुम नए नए जगहों की तलाश करो। इसी तलाश में पता चला इन अरब वालों से कि भारत इंडिया एक जगह है। क्या है? इंडिया। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया इंडीज नाम से, तो इसे इंडीज कहा जाता है। इंडिया को पहले क्या कहा जाता है? इंडीज, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी यानी इंडस नदी बहती थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इंडीज। इंडीज से शॉर्टकट में क्या बन गया? इंडिया। इंडस नदी से बना इंडीज, इंडीज से बन गया इंडिया। तो यहाँ अरब वाले बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग करते थे खाने वगैरह में, खाना वाना। तो इन लोगों को पता, यूरोप वालों को हाई रेट में बेचते थे, और यूरोप वाला आता था इंडिया में तो मार काट के फेंक देता था सभी सब। तो दिक्कत हो गया उनको, लगा मसालों के लिए हमें इंडीज यानी इंडिया जाना जरूरी है। कहाँ जाए जाए, इधर से जा नहीं सकते हैं, समुंदर के रास्ता को खोजा जाए। तो बार्थोलोमियो डियाज जो पुर्तगाल का था, उसने कहा कि हम इंडीज यानी इंडिया खोजेंगे। ये चला यहां से और यहां तक आके स्टॉप हो गया, इसलिए इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, एक अच्छी आशा का अंत हो गया यहाँ के। कहा कि अब भारत मिलना मुश्किल है, चारों ओर से समुंदर। पुर्तगाल के बगल का था स्पेन, स्पेन का रहने वाला था कोलंबस। कोलंबस कहा कि हम भारत अर्थात इंडीज को खोजेंगे, हम इंडिया को खोजेंगे। बार्थोलोमियो के बस की बात नहीं है, इंडिया इधर है, चल गया उधर। समझ में गया कि नहीं? कहां चल गया? उधर देख रहे हैं, पगला चल गया वहां पे। और उतरा जानते हैं जमाइका, अमेरिका के पास, वहां क्रिस गेल मिल गया उसको। उसी का खानदान का होगा कोई पटदार उधर, उसी सब का, तो वैसे ही ना होगा दलित दर्द। हाँ एकदम मिल गए हम। कहा कि अरब वाला बोला सब कि भारत के लोग काले हैं लेकिन ज्यादा काले नहीं। तो मैंने भारत के लोग हमारे टाइप के काले हैं, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया, हो सकता है कि कहीं धुआं हुआ लग गया है इसको। वो कंफ्यूजन में था कि ये भारत ही है, उसने इसका नाम क्या रख दिया? इंडिया ही रख दिया। हल्ला कर दिया यूरोप में कि हमको इंडिया मिल गया, हमको क्या मिल गया? इंडिया मिल गया। और सब लोग वाह, पूरा हल्ला, कोलंबस की जय, कोलंबस की जय। यहां कह दिया इंडिया मिल गया। अब क्रिस गेल का जो भी खानदान था उसका नाम रख दिया रेड इंडियन। कहा कि जो पूरा ललछाऊ है रही, तो नाम क्या रख दिया? रेड इंडिया। मिल गया था क्रिस गेल वाला सब भयानक। उसको बाद में आया पुर्तगाल का ही नाम था उसका वास्को डी गामा। कहा कि पहले यहां चलते हैं, बार्थोलोमियो ने तो यहां खोज ही दिया, यहां पता करेंगे इंडिया कहां है। तो एक गुजराती यहां आया था व्यापार करने। सोचिए गुजराती सबका व्यापार, 1498 में वो गया था कपड़ा बेचने कहां पर? साउथ अफ्रीका। गुजरात शुरू से डेवलप रहा है सिंधु सभ्यता से लेकर, वरना तनी आए लोग ना बिहार में तनी डेवलप करने के लिए। दिक्कत क्या होता है ना, आप एरिया तो डेवलप कर सकते हैं बट जो माइंडसेट हो जाता है लोगों का ना, बड़ा मुश्किल से हो जाता है। आप पता है कनाडा में आप जाइएगा, अमेरिका कनाडा के बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल है जहां आप सामान खरीदे, खुद से बिलिंग कीजिए, कार्ड से पेमेंट दीजिए, चल जाइए। हियाँ तू सामान खरीद, बिल कौन कौन पेमेंट किया? पेटीएम डाले। जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा मायने रखती। तो यहां एक गुजराती मिल गया उसको, अब वही बता दिया कि चल जो इधर से भारत मिलेगा तुमको यहां से। सीधे गया, कहां पहुंच गया? केरला। और केरला पहुंच गया तो लोग देखे रे कौन नमूना आया है रे सोचा रे कौन चीज बन ले तो बताए टाई दिस इज टाई का की पसरी लगी ले टाई। भारत के लोग देखे रे रे आई कौन चीज है, खांची ओढ़ ले तो कहा खांची ना रे टोपी टोपी। सब एकदम बढ़िया जगह, एकदम गोर हो गया रे भाई एकदम। केरला में लोग सांवले होते हैं। अब वास्को डी गामा एकदम पहुंचा, एकदम आईसीएससी बोर्ड वाला एकदम। लोग अरे 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 बिलायती चुगा रहे। वास्को डी गामा का खूब इज्जत हुआ वहां पर, कहा कि कितना सुंदर है रे ये पूरा यहाँ पे। तब पता चला कि कोलंबसवा झूठ बोला था, जबकि ये चोट्टा हल्ला कर दिया था कि यही इंडिया है, और लोग इसी को समझ रहे थे इंडिया, और ये इतना फेमस हो गया था कि लोग इसी को इंडिया समझते थे, और इसे लोग धीरे धीरे एडजस्ट हुए, तो लोग इसी को क्या समझते थे? इंडीज। और इस जबकि रियल इंडीज ये था, तो लेकिन दोनों पैरेलल चलने लगा, तो इसका नाम हो गया ईस्ट इंडीज
इसका नाम हो गया वेस्ट इंडीज। क्या हो गया? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज एक एरिया का नाम है जो कैरेबियाई देश में आता है। किसमें आता है? कैरेबियाई। यह पूरा का पूरा क्या कहलाता है? वेस्ट इंडीज। क्या कहलाएगा? वेस्ट। तो क्या वेस्ट इंडीज की कोई राजधानी है? कैसे राजधानी हो जाएगी? ग्रुप ना है वो तो यहाँ पे। अब उसकी क्रिकेट टीम भी मल्टीनेशनल है। आप देखिएगा, क्रिस गेल कहाँ का है? जमाइका का। अब ब्रायन लारा ट्रिनिडाड का है। 2006 के साथ की हम क्रिकेट देख ले, उस समय धोनी ने यानी एंट्री मारा था, आईपीएल की उसी समय शुरुआत हो रही थी, 7-8 के आसपास में बात चल रही थी आईपीएल हो गया, ये है वो है। पहला आईपीएल की तो बातें अलग थी, लोग पहला आईपीएल के समय कह रहे थे गलत बात है, अपने में लड़ा रही। बाद में पता चला आईपीएल बहुत हिट हो गया, आईपीएल बहुत अच्छी चीज है, नए खिलाड़ियों को मौका मिला, वरना पहले रणजी खेलते खेलते कितने होनहार लोग इधर रह जाते थे, अब कितना बेहतरीन हो गया आईपीएल। आगे बढ़े तो बताइए वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम कैसी है? मल्टीनेशनल। कैसी है? मल्टीनेशनल। सुनील नारायण कोलकाता नाइट राइडर्स। सुनील नारायण वेस्ट इंडीज का है, यही क्या है? तो आप लोग को इसका आइडिया, आप अपने होशियार हैं आप लोग। बताइए ये कौन जगह है? जमाइका। ब्रायन क्रिस गेल कहाँ का है? अच्छा, जमाइका का एक बहुत तेज धावक है उसैन बोल्ट, है ना? उसैन बड़ी खतरनाक दौड़ता है, धावक है उसैन बोल्ट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए इसका नाम वेस्ट इंडीज किसकी गलती से पड़ा? कोलम। रेड इंडियन नाम दिया था इन सौ का, जितना है सब ने इन सौ का नाम क्या दे दिया था? रेड इंडियन नाम दिया था। आगे बढ़े